और पहला सवाल है कि 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि संगम कार्यक्रम किस प्रकार की जो है अपनी प्रकृति में किस तरीके का है, तो एक ऑनलाइन स्वरोजगार कार्यक्रम है। और अगर मान लीजिए यूपी से मिलान करने के लिए आ जाता है स्टेट से, तब भी आप उत्तर प्रदेश से मिलान करेंगे। और अगला है कि 26 दिसंबर 2019 को असम सरकार द्वारा उच्च अध्ययन हेतु राज्य के छात्रों को मदद करने हेतु अभिनंदन योजना शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार सभी शैक्षणिक ऋणों के लिए कितनी राशि एकमुश्त सब्सिडी प्रदान करेगी? तो इसका उत्तर होगा 50,000 रुपये। यानी कि असम राज्य के ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अभिनंदन योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के तहत जो भी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण लेंगे उस ऋण पर सरकार द्वारा 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और अगला है कि 5 वर्षों यानी कि 2020 से 2021 तथा 2024 से 2025 की अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो इस पर 6,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान का अनुपात कितना है? तो हिमालयी राज्यों के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा वो 90:10 में होगा, 90 और 10 के अनुपात में होगा। यानी कि केंद्र सरकार जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो 90% जो है बजट का देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो बजट का टोटल जो है वो 10% हिस्सा ही उसको देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान नई परियोजनाओं की मंजूरी हेतु अतिरिक्त कितनी राशि जारी किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर होगा 1854.67 करोड़ रुपये, यानी कि 1854.67 करोड़ रुपये। और नेक्स्ट है कि 21 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR नेतन्ना निस्थम योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर परिवार को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करेगी? तो प्रतिवर्ष जो है वो 24,000 रुपये प्रदान करेगी। योजना का नाम है नेतन्ना निस्थम योजना, जिसका मतलब होता है बुनकर मित्र। और अगला है कि 12 दिसंबर 2019 को भारतीय डिजाइन परिषद ने शिक्षा और मानकों को बढ़ावा देने हेतु दो पहलों की शुरुआत की है। इन दोनों पहलों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय डिजाइन परिषद ने जो है इस मानक को जो है इस पहल की जो है शुरुआत की है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय डिजाइन परिषद द्वारा शुरू की गई दोनों पहलें चार्टर्ड डिजाइन ऑफ इंडिया और शिक्षा गुणवत्ता मार्क हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है CDI चार्टर्ड डिजाइन ऑफ इंडिया, और मार्क्स DOM है, DEOM DOM है, जिसका मतलब है शिक्षा गुणवत्ता मार्क्स। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय डिजाइन परिषद और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद की ये दो पहले डिजाइन की सभी चुनौतियों का समाधान करने में मददगार होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है जिसमें कहा गया है कि डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क्स DOM पूर्ण निर्धारित मानकों पर डिजाइन शिक्षा कार्यक्रमों को निर्धारित करने एवं प्रकाशित मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क्स प्रदान करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। और डी स्टेटमेंट है कि CDI का फोकस डिजाइन शिक्षा या अनुभव द्वारा पहचान किए गए पेशेवर डिजाइनर होगा। तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है। और अगला है कि दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु राज्य में कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा 218। और नेक्स्ट है कि 30 मार्च 2020 को COVID-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया गया है? तो मोदी किचन शुरू किया गया है तमिलनाडु में। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो भी ज़रूरतमंद है COVID-19 की वजह से उनको जो है भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्राग्याम। इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? प्राग्याम, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगला है कि जम्मू कश्मीर में उच्च बहुउद्देशीय परियोजना या राष्ट्रीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी?
तो उसका नदी का नाम है उज, और उज बहुउद्देशीय परियोजना उसका नाम भी है, यानी कि नदी के नाम पर ही परियोजना का भी नामकरण किया गया है। जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह प्रदत्त वजीफे की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब इसको बढ़ाकर के 5,000 रुपये कर दिया गया है। योजना का नाम है युवा स्वाभिमान योजना, जिसमें बेरोजगारों को जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और कब प्रदान की जाती है, तो ये प्रतिमाह प्रदान की जाती है, मंथली प्रदान की जाती है। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की गई है, तो शिव भोजन योजना शुरू करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है मात्र 10 रुपये में शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 5 मई 2020 को किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा या किस निदेशालय के द्वारा गरुण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर होगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। और आप याद करने के तौर पर समझ सकते हैं कि देखिए उड्डयन है और गरुण क्या है, गरुण भी तो उड़ता है, तो आप उड़ने के ट्रिक से जो है उड्डयन को आप याद कर सकते हैं कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा गरुण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। नाम ध्यान रखिएगा, योजना का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कितने परिवारों को 100-100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का उन्हें पट्टा भी दिया जाएगा, तो ये जो है कितने परिवारों को, 5 लाख परिवारों को जो है 100-100 फलदार पौधे लगाने हेतु उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ ही में उसकी देखरेख जो है उनको प्रदान किया जाएगा, यानी कि उनको पट्टा भी उसका प्रदान किया जाएगा। अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी, तो मान लीजिए अगर कोविड-19 में जो भी जो एक प्रकार से कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, अगर उनकी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी कोविड-19 टाइम पीरियड में, तो उनको कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका उत्तर होगा 15 लाख रुपए नहीं होगा, 20 लाख रुपए नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 50 लाख रुपए। जी हाँ, अगर कोविड-19 की वजह से किसी भी जो है कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए की जो है उसको मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और अगर सवाल पूछा जाए कि इस तरीके की पहल शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है, तो इस तरीके की पहल शुरू करने वाला स्टेट कौन सा होगा, MP होगा, यानी कि मध्य प्रदेश होगा। और 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की, और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इस संदर्भ में ऐसा जो है निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य हो गया है तेलंगाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि एक पायलट परियोजना के तहत जो है कृषि को विनियमित करने हेतु जो है वह निर्देश देने की कोशिश कर रहा है अपनी इस जो है क्या कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है, FIR आपके द्वार योजना शुरू करने वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप CSIR भी कहते हो, ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार समझते हैं, परियोजना का नाम है, क्या नाम है परियोजना का, परियोजना का नाम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप इनिशिएटिव। इस परियोजना के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की जाएगी। अब एक संस्था है जो इसकी व्यावसायिक साझेदार होगी, उस संस्था का नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए बहुत सारी विकल्प में 4 संस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन वो सारी की सारी गलत हैं, तीनों गलत हैं, सिर्फ एक संस्था सही है जिसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर होगा निगाह, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निगाह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये HP के द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, एक प्रकार से कोविड-19 के खिलाफ जो है क्या कहते हैं जो एक पहल है, अभियान है, एक लड़ाई लड़ने में जो है इस तरीके के अभियान सार्थक।